जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सबका हमारे चैनल पंडित ज्ञान में स्वागत है। अगर नहीं चाहते भोलेनाथ की नाराजगी तो जरूर चढ़ाएं शिवलिंग पर ये सात चीजें। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। आज मैं आपको बताऊंगी कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे भोलेनाथ सबसे ज्यादा खुश होते हैं। भगवान भोलेनाथ की पूजा में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको चढ़ानी चाहिए। आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि भगवान शिव को कौन सी चीजें चढ़ाने से आपको क्या फल मिलता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है, अर्थात अगर कोई भक्त सच्चे दिल से उनकी पूजा करता है तो भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी चीजें जिनसे भोलेनाथ अत्यंत जल्दी खुश हो जाते हैं। अगर आप लाल डंठल वाला धतूरा भगवान शिव की पूजा में चढ़ाएंगे तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके साथ साथ दुर्वा से भी भगवान शिव का पूजन करने से आयु बढ़ती है। अगर आप भगवान शिव को चावल चढ़ाते हैं तो निकट भविष्य में धन प्राप्ति के योग बनते हैं। और अगर भोलेनाथ को तिल चढ़ाते हैं तो इससे सभी पापों से आपको मुक्ति मिल जाती है। गेहूँ चढ़ाने से संतान वृद्धि होती है और जौ अर्पित करने से सुख में वृद्धि होती है। अगर भगवान शिव को शक्कर मिला हुआ दूध चढ़ाते हैं तो इससे आपकी बुद्धि तेज होती है। और अगर गन्ने का रस शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो आपको सभी आनंदों की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ अगर आप उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं तो भगवान शिव का शुद्ध घी से अभिषेक करें, देखें आपको कितना लाभ मिलता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पंडित ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।